नो। यहाँ पे अरुणाचल में एक नया चीज़ है, ये पहला बार था कि इस बिल को यहाँ लाना था, तो ऑनरेबल स्पीकर साहब का सजेशन से मेरा भी बहस हुआ है कि एज़ पर द पार्लियामेंट प्रोसीडर इसको तो बिल फॉर्म में लाना है, तो उन्होंने कहा नहीं आप सबको बहस कराने से अच्छा है, ये अच्छा सुझाव आपने लाया है, और इनफैक्ट आप सब तो जानते हैं कि हमारा जो असम में हेमंत बिश्व शर्मा इसको शायद दिसंबर में इस विधेयक को लेके आ रहे हैं कि पॉलीगैमी के अगेंस्ट में, तो वैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि पंचायती राज हो या हमारा लोकल अर्बन बॉडीज हो या हमारा विधानसभा में हो, कि एक आदर्श एक किसी को सांसद बनना या एक रिप्रेजेंटेटिव बनना है, पंचायत लीडर बनना या अर्बन बॉडी में आना है, वो एक आदर्श होना, सिद्धांतवादी होना है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ के लोग तो नहीं जानते हैं या जानकारी होते हुए आपको इसको डिफीट करेंगे, तो उससे अच्छा इसमें सबको बहस कराओ। तो मैंने सोचा कि सच में मैं अगर मैं इसको बिल को आई बेग लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल करके मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा और मैं तो अकेला आइज बोलूंगा और सब अगर उसको नोज बोलेगा तो डिफीट हो जाती है, तो इसलिए मैंने भी सोचा और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इट इज़ अ गुड बिल, इट वॉज़ अ गुड प्रपोजल, एक अच्छा विधेयक आप लाए हैं, वो विधेयक के रूप में उसको रखिए, लेकिन इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल में लाइए सो दैट अगर ज़रूरी पड़े तो उसको विदड्रॉ भी कर सकें, या अगर आश्वासन देते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो सरकार है उसको सेलेक्ट कमेटी जैसे असम में किया उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें या एक कमेटी एक तय करें, क्योंकि जैसे पिछले बार भी जब मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनसंग हीरोज़ के लिए, तो एक कमेटी बनाया और उसके लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन को उसको नियुक्त किया गया और अभी वो इतना अच्छा से चल रहा है। तो इस विषय में भी उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा कि आप इसको मैं एक सुझाव देता हूँ, इसको आप प्राइवेट मेंबर्स बिल में लाइए और इसके बाद इसको आप चर्चा में लाइए जो बहस करना चाहते, क्योंकि हमारे लेडीज़ भी हैं, हमारा लेडी MLAs हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी बात किया है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको एक बिल रूप में लाएंगे तो इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और वो वोट आउट हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल 6 को लाएंगे, आप लोग सब उसमें शरीक होइए, शामिल होइए, आप सुनिए हमारा क्या प्रस्ताव, हम किसी को दिल नहीं दुखाना चाहता है, हम किसी जो अभी स्थानीय विधायक सब हैं उन बहुत हमारे बीच में भी दोस्त है जिसके 2 या 3 बीवियाँ हैं, लेकिन हमने कहा कि भविष्य में अभी का 24-29 तक शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में हम जैसे नेता हैं जो यहाँ के सदस्य आते हैं वो एक सिद्धांतवादी होना है, एक आदर्श वाला, एक सब जो पब्लिक जो जनता है उसको देखना है कि भाई ही शुड बी आवर रोल मॉडल, सो दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी इंट्रोड्यूस। सो मैं कोशिश किया हूँ, शायद बहुत लोग मेरे खिलाफ़ जाएंगे, बहुत लोग हमारे बहस में भी शायद हमारे खिलाफ़ बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमारा यहाँ भी एक सिद्धांतवादी नेता हो, एक आदर्श नेता हो, जो 2-3 बीवी ले आए वो बोले आप, बहुत लोग हमको बोला कि आप कस्टमरी लॉज के अगेंस्ट में हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कस्टमरी लॉज को मैं मान्यता नहीं देता हूँ या उसको हम सम्मान नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कस्टमरी लॉज में आपको 2-3 बीवी लेना है बोल के वो भी नहीं है, तो इट डिपेंड्स, इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू कीप द फैमिली, बट जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों हमारे बीच में ले सकते हैं 5 बीवी 4-6 बीवी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेता बनते हैं, आप पंचायत में आते हैं, आप लोकल अर्बन बॉडीज़ में आते हैं या आप काउंसिलर बनते हैं या विधानसभा में आते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट लोगों को आदर्श बनना है, उनको एक रोल मॉडल दिखाना है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लाने के इस विधायक, लेकिन बीच बीच में ऐसा चीज उठाता है ना जो पब्लिक को या तो नाराज होता है या खुश होता है, नहीं ऐसा बात देखिए हम नेता हैं, हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा महिला वाला जो है, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आना था, तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, जैसे पब्लिक साहब UPSC में आप देखिए अगर आपका 2 बीवी होता है यू आर डिसक्वालीफाइड, अगर आप IAS होने के बाद बावजूद अगर आप 2 बीवी रखते हैं तो यू बिकम डिसक्वालीफाइड, तो यू उसमें लिखा हुआ है, आप एफिडेविट साइन करना पड़ता है, तो वैसे यहाँ पे भी अगर आप यू नो आप जैसे आपने कहा इसको क्यों हम उठा रहे हैं,
तो यही एक मुद्दा है कि हम सिद्धांतवादी बनाना चाहते हैं, लोगों को आदर्श को बनाना चाहते हैं, भविष्य का युवा पीढ़ी को हमको बताना है कि भाई कैसा एक नेता को पेश करना होगा। संगठन लोग काफी तारीफ कर रहा था नीनो मेरिंग ने ऐसा किया, लेकिन आप आज एक कदम पीछे जाके चेतावनी नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। हाँ आज भी हमारा सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था, तो बिल इंट्रोड्यूस होता है लेकिन इसमें हम वोटिंग आउट हो जाता था, तो अगला दिन शायद चांसेस है ना सर? सिक्स को एक कंफर्म है, डिस्कशन होगा नहीं इसमें सब हमारे जो बीजेपी के जो सदस्य है वो भी करेंगे। अब तो मैंने कहा ना हेमंत बिश्व शर्मा तो इसको लेकर आ रहे हैं ना, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसमें एक लिखा है कि आपको यू मस्ट हैव ओनली वन लीगल वेडेड वाइफ। अच्छा सर एक चीज है, हम जोर से नहीं पूछेंगे आपको क्योंकि बिल में तो आएगा ही सब कुछ, तो असेंबली में जब चर्चा होगा तो लोग को पता चलेगा, थोड़ा सा बता दीजिए, लोगों में काफी उत्साह है कि ये बिल में है क्या चीज नैनो गिरिंग जो लेके आ रहा है। नहीं देखिए सबको उत्साहित तो होना ही होगा क्योंकि ये एक प्रावधान हमने रखा है कि भविष्य में ऐसा कोई भी यू नो इशू ना आए, जैसे आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, तो इसमें मैं जब मैं इसको पेश करूँगा एक विधेयक को मैं पेश करूँगा उसमें यही कहेंगे कि ये इट विल हैज़ टू बी रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट, इसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना पड़ेगा, जो आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है उसके लिए तो आपको संशोधन करना पड़ेगा जिसमें 2/3 मेजोरिटी होना है। जो हमारा असम में लारा है वो इट इज़ जस्ट अगेंस्ट पॉलीगैमी, बट आई एम अगेंस्ट इलेक्शंस, ये तीन, चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे वो अर्बन बॉडीज हो, चाहे काउंसिलर्स हो या हमारे विधानसभा में हो। सो दिस इज पर्टिकुलर टू द 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। इसके ऊपर में लोगों का डिबेट भी होना चाहिए ना? डिबेट तो होना ही, वो तो होगा, वो आप सब जो है आप चौथा स्तंभ जो है वो तो आप करेंगे। थैंक यू।